मैकेनिकल इंजीनियर्स एलिजिबल, बीएससी ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल और नॉट, व्हाट अबाउट फेज टू पेपर टू, इज द कोर्स इज इन इंग्लिश सर, सर इफ वी स्कोर 41% इन फेज वन देन वी कैन गेट चांस टू अपीयर फॉर फेज टू, और 40% वाले कैंडिडेट्स की अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी देन वी एलिजिबल फॉर फेज टू, हाउ मच इज इन हैंड सैलरी सर, ओनली बीकॉम इन कॉमर्स विदाउट सीए आर एलिजिबल, कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, आई एम 32 ईयर ओल्ड फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, एम आई एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ऑल ऑफ दीज आर द कमेंट्स फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियोस रिलेटेड टू IFSCA. I think students are still in confusion related to eligibility, age relaxation, exam pattern. But don't worry. Today I will resolve all of your doubts and give you a complete information related to IFSCA. So start karte hain sabse pehle important exam dates se. To hamari jo exam dates hain sab वो है मार्च टू अप्रैल, मतलब हमारा जो फेज वन होगा दैट विल बी ऑन मार्च टू अप्रैल. बट हमें याद रखना है कि इफ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एग्जाम तो हमें जो अपना फॉर्म भर देना है वो भर देना है बिफोर 3rd of March. और मेरी सजेशन है कि जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना बेटर आपके लिए है. Why so? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने PFAIRTI का जो फॉर्म भरा था ताकि चेक कर सके कि एग्जाम्स कैसे आते हैं, तो हुआ क्या था, बहुत लेट भरा था, जिससे हुआ क्या था, मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली थी और मेरे को किसी और स्टेट में एग्जाम देने के लिए बोला गया था, तो इवेंचुअली मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसलिए आई स्किप द एग्जाम. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड तो ट्राई करो, अभी ही फॉर्म भर दो ताकि जो भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी एग्जाम सेंटर की वो आपको आपको मिल जाए, जो भी आपकी स्टेट प्रेफरेंस होगी वो आपको मिल जाए. ठीक, फिर हमारा फेज वन होगा मार्च टू अप्रैल में, ऑलमोस्ट आपके पास है 1 month का ड्यूरेशन, एंड उसके बाद होगा फेज टू जो कि होगा अप्रैल और या फिर मई में. दैट मींस ऑन अराउंड 20 to 30 days यू विल गेट आफ्टर फेज वन टू फॉर फेज टू. ठीक, उसके बाद आएंगे आपके इंटरव्यूज जिसकी डेट्स अभी डिक्लेयर्ड नहीं है. ठीक है, ये तो हो गई डेट से रिलेटेड बात. अब बात कर लेते हैं अपनी रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे. ठीक, तो अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है दैट इज मास्टर्स डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस एंड इकोनोमेट्रिक्स. देन बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देन बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विद CA, CFA, CSICW. अब इनके अकॉर्डिंग दैट इज विद लिखा है इन्होंने, That means without वाले eligible नहीं होने चाहिए. But confusion कहां create हो रही है, confusion create हो रही है इस sentence में. यहां पे लिखा है bachelor's degree in law or in any other discipline from a recognized university. अब कई सारे जो platforms हैं वो इसे read कैसे कर रहे हैं, bachelor's degree in any other discipline from a recognized university. राइट, मतलब वो कह रहे हैं कि दैट बैचलर्स डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं दैट आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. बट हमारा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वो भी करेक्ट हो सकते हैं, हम भी करेक्ट हो सकते हैं. हम मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो वो कहना चाह रहे हैं कि जो बैचलर डिग्री है लॉ में या लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी डिसिप्लिन है तो वो अलाउड है. Means, जैसे अगर यहाँ पे बोला होता विद कॉमर्स, कॉमर्स में हमारा बीकॉम ऑनर्स भी आ जाता है, बीकॉम प्रोग्राम भी आ जाता है, तो ऐसे ही लॉ के भी अलग अलग वो होते होंगे कैटेगरीज, जैसे LLB हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो उससे रिलेटेड ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन, हमें लग रहा है कि अदर डिसिप्लिन का यहाँ पे मीनिंग वो है कि मतलब लॉ से रिलेटेड बैचलर डिग्री है
लॉ से रिलेटेड बैचलर्स डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन यू आर एलिजिबल। तो मतलब यहां पे दो इंटरफेस मिल रहे हैं कि ऑल बैचलर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, या यहां पे लॉ वाले जो अदर डिसिप्लिन्स हो गए, लॉ से रिलेटेड जो अदर डिसिप्लिन्स हो गए वो आर एलिजिबल। जो मुझे रेलेवेंट सेंस लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो लॉ हो गया और लॉ से रिलेटेड जो डिसिप्लिन्स हो गए, दैट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई जो इतनी सारी उन्होंने ऊपर इंफॉर्मेशन दी कि भाई कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स वाले अलाउड नहीं है विदाउट सीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स इन इन चीजों में ही होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें इररिलेवेंट हो जाएंगी अगर हम ये कंक्लूजन निकालें कि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, राइट। या तो ये हो सकता है कि हाँ भाई वो दोनों जो भी एग्जाम सेट कर रहे थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटरमाइन कर रहे थे, उन्होंने पहले डिसाइड करा कि हम इन स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करेंगे, हम इन स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करेंगे, और यहां पे आ जाते उनका मन बना कि सबको अप्लाई कर देंगे। तो इफ दे वॉन्ट कि सिर्फ ग्रेजुएट्स जाए कि बैचलर्स जाए इन एनी डिसिप्लिन, तो वो डायरेक्टली लिख देते कि हाँ ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट एलिजिबल है। इफ दे आर स्पेसिफाइंग अबव दैट कि ये डिसिप्लिन हमें चाहिए, तो मेरे को जो एप्रोप्रिएट सेंस लग रहा है, जो एप्रोप्रिएट सेंस लग रहा है वो यही लग रहा है कि लॉ और लॉ से रिलेटेड जो अदर डिसिप्लिन हो गए, जो लॉ से रिलेटेड ग्रेजुएशन हो गई जो कि रिकॉग्नाइज है, वो एलिजिबल है। बट स्टिल आई माइट बी रॉन्ग। और जो दूसरी चीज है, ये हो सकता है कि बैचलर्स डिग्री उन्होंने सबके लिए अप्लाई कर दी, तो इसमें अभी क्लैरिफिकेशन मिसिंग है। अकॉर्डिंग टू मी लॉ विद लॉ से रिलेटेड अदर डिसिप्लिन जो बैचलर्स हो गई ग्रेजुएशन हो गई वो अलाउड है। एप्लीकेबल हो भी क्या सकते हैं, जो बाकी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बैचलर्स डिग्री इन एनी अदर डिसिप्लिन, ठीक। यहां थोड़ी कंफ्यूजन अभी भी मिसिंग है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया और बाकियों का भी रख दिया, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी इससे रिलेटेड आई कांट कमेंट ऑन दिस, ठीक। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ऊपर मेंशन है मास्टर्स इन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड वगैरह, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, आजकल हो गया कई सारे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो गए, तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है वो तब भी अप्लीकेबल, मतलब इक्वल टू माना जाएगा मास्टर्स डिग्री, अगर वो गिवन है इक्वलेंट माना जाता है मास्टर्स डिग्री के। मतलब इफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इज नॉट कंसिडर्ड इक्वल टू मास्टर डिग्री, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इक्वल टू मास्टर डिग्री है या नहीं है, वो प्रूफ उन्होंने कहा कि आपको ही करना पड़ेगा, दैट आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे कि दैट माय पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इज इक्वल टू मास्टर्स डिग्री, या कहीं पास हुआ होगा आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में कि हाँ ये रिकॉग्नाइज्ड है इक्वल टू मास्टर डिग्री, वो डॉक्यूमेंट्स आपको खुद शो करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये होगी क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एज लिमिट का। एज लिमिट क्या है, अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 इयर्स एज ऑन 1st February 2023। तो मैक्सिमम एज जो एलिजिबल है वो है 30 इयर्स। अब आपको फाइंड आउट करनी है तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्या कर सकते हैं, सिर्फ किसी भी वेबसाइट पे जाइए जहां पे एज कैलकुलेटर टाइप करिए गूगल पे, वहां पे वेबसाइट्स आ जाएंगी, वहां पे एज ऑन डाल देना आप 1st February 2023, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना, वहां से आपकी एज पता चल जाएगी ऑन 1st February 2023। फिर आती है एज रिलैक्सेशन। देखो इफ यू आर ST तो 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, मींस अगर आप 35 के भी हैं देन यू आर एलिजिबल। सिमिलरली ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, बट याद रखना है OBC सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर्स वाले ही अलाउड हैं, जो क्रीमी लेयर्स हैं दैट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर OBC, ठीक। अगर PWD कैटेगरी है देन एज रिलैक्सेशन इज 10 इयर्स। अगर PWD प्लस OBC आप दोनों हैं देन जो एज रिलैक्सेशन हो जाएगी वो कंबाइंड हो जाएगी 10+3 13 इयर्स। इफ PWD प्लस SC ST है तो कंबाइंड हो जाएगी 10+5 इयर्स 15 इयर्स, राइट। समझ आ गया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन।
इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे थे. तो देयर आर टोटली थ्री फेजेस. फेज वन हमारा जिसमें ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दो पेपर्स होंगे, पेपर वन एंड पेपर टू. देन ये एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसकी डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा. उसके बाद होगा फेज टू, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इन विच वी हैव टू पेपर्स. पेपर वन विल बी अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड पेपर टू जो कि हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा. उसके बाद अपना फेज थ्री है, दैट इज इंटरव्यू. ये हो गया हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर. अब कंप्लीट सिलेबस की और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या लिमिट वो है हमारे पास, क्या क्या कट ऑफ्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले फेज वन ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करते हैं. ऑन इन फेज वन वी हैव टू एग्जाम, टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू. बोथ पेपर आर एमसीक्यू बेस्ड. ठीक है, पेपर वन में होंगे टोटल 100 क्वेश्चंस. 100 क्वेश्चंस में हमारे पास होगा 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस के, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल सेक्टर. फिर 25 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, 25 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 25 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग. ईच क्वेश्चन विल कैरी अ वन मार्क. तो टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स. और इस पेपर को आपको करने के लिए दिए जाएंगे 60 मिनट्स. ठीक. फिर अगर पेपर टू की बात कर लूं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, दैट इंक्लूड्स जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ESI, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, 5-year plans, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड स्कीम्स. ये हमारे टोटल होंगे 50 questions और ईच क्वेश्चन विल कैरी अ 2 marks. तो टोटल हो गए हमारे 100 marks. और पेपर टू के लिए भी आपको मिलेंगे 60 मिनट्स. अब दिस पेपर इज क्वालिफाइंग. क्वालिफाइंग का मींस अगर आपको पेपर वन में मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं, पेपर टू में 40% मार्क्स लाने हैं और ओवरऑल 40% मार्क्स आने हैं, अगर आप ये जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाओगे देन यू आर एलिजिबल और अप्लाई फॉर फेज टू. मतलब यू आर सेलेक्टेड फॉर फेज टू. There will be a no merit list. यहां कोई merit list नहीं बनेगी. जो भी limits cross करेगा, जो भी qualifying limits cross करेगा, he is eligible for phase 2. अगर आपने SEBI दी है, तो SEBI में भी यही होता है phase 1 में, कि phase 1 आपने अगर qualify कर लिया, तो आप automatically apply eligible हो जाते हो for phase 2. अब यहां पे भी कई सारी confusions हैं, मैं clear कर देता हूं. देखो, overall का मतलब क्या है? For example, आपके paper 1 में आए 30 marks. पेपर टू में आए 40 मार्क्स, राइट? वैसे आपने कट ऑफ क्रॉस कर ली होगी, बट अगर मैं टोटल देखूं दैट इज 70 मार्क्स. तो यहां पे आपकी कट ऑफ क्रॉस नहीं हुई, यहां पे आपके टोटल जो बनने चाहिए वो मिनिमम 80 बनने चाहिए. मीन या तो आप 10 मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा लेके आओ, या 10 मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा लेके आओ, या 5 उसमें 5 इसमें, या 7-3, जो भी करना है, टोटल मिनिमम आपके 80 मार्क्स होने चाहिए. Then you will cross the cutoff. ठीक, समझ आ गया. ये था हमारा phase one. अब हमें तुक्के नहीं मारने, because जो phase one है उसमें negative marking भी है 1/4 marks की. ठीक, तो means अगर आपका 2 marks का question है 0.5 million negative marking, if a 1 marker question है तो 0.25 million negative marking. Now we talk about phase two. फेज टू के सिलेबस की बात कर लेते हैं. इन फेज टू वी हैव टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू. पेपर वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड पेपर टू इज एमसीक्यू बेस्ड. तो डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास होगा क्या? प्रेसी राइटिंग होगी 35 मार्क्स की, ऐसे राइटिंग होगी 30 मार्क्स की, कॉम्प्रीहेंशन होगा 35 मार्क्स का. सो टोटल 100 मार्क्स और इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, राइट? फिर जो पेपर टू होगा That will be MCQ based. इसमें जो आपके subjects covered होंगे, topics होंगे, that is IFSC Act, Union Budget, Economic Survey, Banking, Capital Market, Insurance, Pension, Bullion, Gift City, Gift IFSC, IFSCA, Global Financial Centers, etc. और इसमें जो आपके questions होंगे, that will be total 50 questions of 2 mark each, that means 100. ठीक, और इसमें भी आपको मिलेंगे total 60 minutes.
अब इसमें जो कट ऑफ है दैट इज 30% एंड 40%, और ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ होनी चाहिए दैट इज 40%। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इसमें भी आपकी पहली बात, इसमें तो चलो नेगेटिव मार्किंग का स्कोप नहीं है, इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी एमसीक्यू बेस्ड में, दैट इज 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दैट इज नॉट क्वालिफाइंग, इसके बाद क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उन स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, जैसा कि हमारा सब सारे एग्जाम सभी वगैरह में होता है या हर एक एग्जाम में होता है, कि अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, चाहे आपके मार्क्स हाईएस्ट है और आपके पेपर वन में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, देन मींस आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे। मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स की जो रैंकिंग होगी वो बेस्ड होगी क्योंकि तीनों कट ऑफ क्लियर, ठीक है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और मेरिट लिस्ट में टॉप 60 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, मतलब 3 times नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। अगर 20 पोस्ट है तो 20 × 3 60 स्टूडेंट्स को कॉल करा जाएगा फॉर इंटरव्यू, राइट, 3 times इन नंबर ऑफ वैकेंसीज। समझ आ गया, यहां पे जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी उसमें जितने भी टॉप 60 स्टूडेंट्स होंगे, अगर मैं बोलूं 20 seats हैं तो 20 seats से टॉप 60 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, 10 seats होती है तो 30 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा फ्रॉम जनरल कैटेगरी, राइट। फिर आता है हमारा इंटरव्यू, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट में जो होंगी आपकी 85% दी जाएगी फेज टू को, याद रख लेना जो फेज वन है दैट इज ओनली अ क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम, उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इंक्लूड नहीं होंगे। देन इंटरव्यू के जो आपके मार्क्स होंगे उसके 15% वेटेज दी जाएगी, टोटल 100%, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी और एग्जाम कंडक्ट, मतलब जो भी रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक, ये हो गई हमारी सारे सिलेबस से रिलेटेड एंड सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड। नाउ वी डिस्कस पे एंड अलाउंसेस, तो पे एंड अलाउंसेस की बात कर लें, तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने लिखी है नोटिफिकेशन में, जो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट्स होंगे इंक्लूडिंग आईएफएससी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, जो मिनिमम आपकी जो सैलरी होगी दैट विल बी 1,43,000 पर मंथ, ये मिनिमम है। उसके ऊपर आपके पास जो बेनिफिट्स होंगे वो होंगे लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रेक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफकेस, कन्वीनियंस एक्सपेंस, हाउस क्लियरिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, स्कीम्स फॉर परचेजिंग कंप्यूटर्स, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, और जो भी एक ग्रेड ए ऑफिसर्स को रेगुलेटरी बॉडीज में फैसिलिटीज मिल रही हैं वो भी आपको आईएफएससी में प्रोवाइड करी जाएंगी, राइट। तो सैलरी शुड नॉट बी अ फैक्टर जिसके लिए आप एग्जाम दो अंटिल एंड अनलेस इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। तो इफ यू आर नॉट वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो ये फैक्टर लास्ट में आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू, ठीक। हाँ, इफ यू आर ऑलरेडी पोस्टेड समवेयर एंड अर्निंग अ गुड लमसम ऑफ सैलरी, ड्राइंग अ लमसम ऑफ गुड सम लमसम ऑफ सैलरी, देन यू कंसीडर दिस फैक्टर। अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो हमारी जो पोस्टिंग हो सकती है कहीं पे भी आईएफएससी के ऑफिसेज में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। तो अकॉर्डिंग टू मी अभी जो आपकी रीसेंट पोस्टिंग होगी वो सबकी आई थिंक गुजरात ही हो, क्योंकि जहां पे उसका हेडक्वार्टर है, उसके बाद माइट बी वो आपको ट्रांसफर करे, ठीक। और किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, राइट। Now, if you are preparing for this course, so preparing for this exam and searching for course, the course is already launched ho chuke hain. Language ke according bata dun, to 80% to 90% of the content in the course is in English. Matlab jo videos honge English mein honge, baki course is a bilingual, right? You can download our app or visit our website. Agar koi bhi query hai related to exam, related to course. Then you can call us in this number. तो इस नंबर को नोट डाउन कर लो और इस पे कॉल कर देना, ठीक, राइट। आई एम हियर फॉर यू फॉर रिजॉल्विंग ऑल ऑफ योर डाउट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।